हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्पाइन मेडगोज आज मैं आपको एंजाइम्स की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में समझाने वाला हूँ तो एंजाइम्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट सिंथेसाइज बाई लिविंग सेल्स एंजाइम्स एक बायो कैटलिस्ट है जो ह्यूमन बॉडी या लिविंग सेल सिंथेसाइज करती है अब ये बायो कैटलिस्ट क्या होती है बायो कैटलिस्ट एक सबस्टांस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्हेंस कर देती है ओके दे आर प्रोटीन इन नेचर एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं मतलब ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं कोलोइडल थर्मोलेबाइल एंड स्पेसिफिक इन देयर एक्शन कोलोइडल का मतलब है कि ये बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन डिजोल्व नहीं है ओके okay? और थर्मोलेबाइल का मतलब है या हाई टेम्परेचर के एक्सपोज होने पर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और स्पेसिफिक इन देयर एक्शन हर पर्टिकुलर एक्शन के लिए ये स्पेसिफिक हैं फॉर एग्जांपल जैसे एमाइलेज एंजाइम है ओके एमाइलेज एंजाइम जो माउथ में प्रेजेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट पर ही रिएक्ट करता है ओके कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकडाउन करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ऐसे ही लाइपेज जो लिपिड मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करता है या उसके साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है ओके तो नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में सो so अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ओके क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले आप जानिए आई यू बी एम बी क्या है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इज एन ऑर्गेनाइजेशन डेट वाज फॉर्म्ड टू प्रमोट रिसर्च एंड एजुकेशन इन बायोकेमिस्ट्री एंड रिलेटेड फील्ड आई यू बी एम बी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किस लिए फॉर्म हुई थी रिसर्च और एजुकेशन के लिए बायोकेमिस्ट्री और रिलेटेड फील्ड में आई यू बी एम बी डिवाइडेड एंजाइम्स इंटू सेवन मेजर क्लासेस इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एंजाइम्स को सेवन मेजर सात मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है वो सात क्लासेस क्या है रिडक्टेसिस ट्रांसफ्रेजिस हाइड्रोलेजिस लाइजिस आइसोमरेजिस लाइगेजिस और ट्रांसलोकेजिस अब हम इनको इंडिविजुअली समझते हैं सो नंबर वन क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेसिस आर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डेट इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडो रिडक्टेज वो एंजाइम्स हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते क्या है जब कोई दो मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में होती है तो उसमें से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है मतलब एक मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी और दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ओके तो जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस ओके और जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसे बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस ओके सो ऑक्सीडो रिडक्टेजिस वो एंजाइम्स है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो दे हेल्प टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू एन जैसा कि मैंने आपको अभी ये डिस्क्राइब किया इस इन रिएक्शंस में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं विच कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन दी बॉडी जिसके थ्रू बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होती है ऑक्सीडो रिडक्टेजिस ग्रुप एंजाइम्स का एग्जाम्पल है लेक्टेड डिहाइड्रोजनियस एंजाइम जो लेक्टेट को पाइरोवेट में कन्वर्ट करता है ओके नेक्स्ट क्लास है ट्रांसफ्रेजिज ट्रांसफ्रेजिज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डेट कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बिटवीन मोलिक्यूल्स ट्रांसफ्रेजिज ऐसे एंजाइम्स हैं जो मोलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं एग्जाम्पल के लिए हेग्जोकाइनेस जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में फोस्फेट ग्रुप को ऐड करता है और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट में और ये फोस्फेट ग्रुप कहाँ से मिलता है इस एटीपी मॉलिक्यूल से और ये एटीपी मॉलिक्यूल मोलिक्यूल कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में क्योंकि इसका एक फोस्फेट ग्लूकोज के कार्बन नंबर सिक्स पर अटैच हो जाता है मतलब ये फोस्फेट ग्रुप ग्लूकोज में ट्रांसफर हो जाता है और ये रिएक्शन कौन कराता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम तो ट्रांसफरेजिज ऐसे एंजाइम्स हैं जो किसी एक फंक्शनल ग्रुप को मोलिक्यूल्स में ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट क्लास है हाइड्रोलेजिस हाइड्रोलेजिस आर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डेट ब्रेक डाउन मोलिक्यूल्स बाई एडिंग वाटर ओके हाइड्रोलेजिस ऐसे एंजाइम्स हैं जो मोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं वाटर ऐड करके हाइड्रोलेजिस फॉर डाइजेशन एंड कैन ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स हाइड्रोलेजिस एंजाइम्स डाइजेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स को डाउन कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए एमाइलेज लाइपेज जो जैसे एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को जो पोलीसेकर फॉर्म में होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर मोलिक्यूल्स में जैसे कि ओके? Okay? कौन कन्वर्ट करता है एमाइलेज एंजाइम किस तरह से रिएक्शन में वाटर ऐड करके ओके ऐसे ही लाइपेज लिपिड मोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है नेक्स्ट क्लास है लाइजेस लाइजेस आर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डेट कैटालाइज द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स विद इन अ मोलिक्यूल विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर लाइज ऐसे एंजाइम्स हैं जो किसी मोलिक्यूल के केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बिना वाटर ऐड किए लाइजिस कैन ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स न्यूक्लिक एसिड्स एंड अदर टाइप्स ऑफ मोलिकूल्स लाइजिस कार्बोहाइड्रेट्स न्यूक्लिक एसिड्स और कुछ अदर टाइप्स के मोलिकूल्स को ब्रेक डाउन कर सकता है एग्जाम्पल के लिए एल्डोलेस डिहाइड्रेटेज एल्डोलेज एंजाइम फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फोस्फेट को ब्रेक डाउन कर देता है दो मोलिक्यूल में डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन फोस्फेट और गिलीसरल डिहाइड फ्रीफोस्फेट कौन सा एंजाइम एल्डोलेज ओके किस तरह से फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फोस्फेट में केमिकल बॉन्ड को तोड़कर ओके okay? और दो नए मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है फिफ्थ क्लास है आइसोमरेजिस आइसोमरेजिस आर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डेट कैटालाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मोलिक्यूल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट आइसोमर एग्जाम्पल ग्लूकोज आइसोमरेज आइसोमरेज ऐसे एंजाइम है जो किसी एक मोलिक्यूल के एटम्स को रीअरेंज करके एक डिफरेंट आइसोमर का प्रोडक्शन करता है ओके इसके एग्जाम्पल को देखिए जैसे ग्लूकोज आइसोमरेज ग्लूकोज आइसोमरेज क्या करता है ग्लूकोज के एटम की रिअरेंजमेंट करके उसको फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है ओके कौन करता है ग्लूकोज आइसोमरेज ओके नेक्स्ट क्लास है लाइगेजिस लाइगेजेस आर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डेट कैटलाइज़ द सिंथेटिक रिएक्शंस वेयर टू मोलिक्यूल्स आर ज्वाइन टूगेदर एंड ए टी पी इज यूज लाइगेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो सिंथेटिक रिएक्शंस कैटलाइज कराते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस क्या होते हैं जिसमें दो मोलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं और ए टी पी की यूटिलाइजेशन होती है एग्जाम्पल डीएनए लाइगेज डीएनए लाइगेज क्या करता है ये दो डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ता है और एक बॉन्ड क्रिएट कर देता है ओके okay. कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है डीएनए लाइगेज लास्ट क्लास है ट्रांसलोकेजिस ट्रांसलोकेजिस आर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डेट कैन मूव सबस्टांसिस और मोलिक्यूल्स एक्रो सेल मेम्ब्रेन बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी ट्रांसलोकेजेज ऐसे एंजाइम्स हैं जो मॉलिक्यूल्स को या सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर मूव करा सकते हैं ओके एटीपी की एनर्जी को यूज करके ट्रांस का एग्जांपल है एबीसी ट्रांसपोर्टर जिसकी फुल फॉर्म है एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं सेल के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल जैसे आयंस कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ओके और प्रोटीन्स इनको सेल के अंदर और सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट या मूव कर सकते हैं तो आज आपने पढ़ा है एंजाइम की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में तब तक के लिए बाय बाय